नमस्कार, विदुनी समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। भारतीय चयनकर्ताओं ने तीन अनुभवी दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह, ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज आसिफ नेहरा पर भरोसा जताते हुए उन्हें मार्च में होने वाले ICC 2020 विश्व कप के लिए शुक्रवार को घोषित 15 सदस्यीय टीम में शामिल कर लिया। जबकि युवा ऑलराउंडर पवन नेगी आश्चर्यजनक रूप से टीम में नया चेहरा है। महेंद्र सिंह धोनी को एशिया कप और विश्व कप दोनों के लिए भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। आतंकवादियों को फंडिंग करने वाला IS का संदिग्ध गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के एक संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। पिछले एक महीने के दौरान गिरफ्तार किया गया IS का यह पांचवा संदिग्ध है। स्पेशल सेल के पुलिस आयुक्त अरविंद दीप ने बताया कि संदिग्ध आतंकवादी की पहचान मोहसिन इब्राहिम सैयद के रूप में हुई है। इसे गुरुवार रात दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में अंतर्राज्यीय बस अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया। संदिग्ध आतंकी के पास से 85,000 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। 26 वर्षीय सैयद मुंबई के मलाड इलाके का रहने वाला है और वह मस्जिद में मुअज्जिम के तौर पर काम करता है। पूर्वोत्तर के विकास से होगा देश का विकास, PM नरेंद्र मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के विकास के लिए पूर्वोत्तर राज्यों का विकास बहुत जरूरी है और इसलिए अब असम में युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके पैदा किए जा रहे हैं और इससे राज्य में सर्वानंद का माहौल व्याप्त होगा। गौरतलब है कि भाजपा ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। मोदी ने असम में पहली पेट्रो रसायन परियोजना ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करते हुए यह बात कही। नुमालीगढ़ परियोजना से स्वदेशी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से मोम बनाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने की सिख समुदाय की सराहना। डर के खिलाफ सभी धर्मों को एकजुट करने से मिलने वाली शक्ति के बारे में बोल रहे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सिख समुदाय द्वारा किए गए मानवीय कार्य का जिक्र किया। विभिन्न धार्मिक और वैश्विक नेताओं की मौजूदगी में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट का वार्षिक संबोधन देते हुए ओबामा ने कहा कि हेती में जब धरती दहली तब ईसाइयों, सिखों और अन्य धर्म समूहों ने मदद बांटने के लिए, जख्मियों की देखभाल के लिए और बेघरों के घर बनाने के लिए अपने स्वयं से भी भेजे थे। सुरेश रैना और राज बब्बर को चाहिए 50,000 रुपए की पेंशन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यश भारती से सम्मानित 141 लोगों में से 108 ने 50,000 की पेंशन के लिए आवेदन किया है। इनमें क्रिकेटर सुरेश रैना और नेता अभिनेता राज बब्बर भी शामिल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 108 लोगों की सूची में मशहूर अभिनेता, कांग्रेस के पूर्व सांसद राज बब्बर और उनकी रंगकर्मी पत्नी नादिरा बब्बर, क्रिकेटर मोहम्मद कैफ और सुरेश रैना, अभिनेता जिमी शेरगिल, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त गीतकार गोपाल दास नीरज, रंगकर्मी राज बिसारिया, आर्ट कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रिंसिपल और पेंटर जय कृष्ण अग्रवाल, गीतकार सोम ठाकुर, योगेश प्रवीण और लोक गायिका मालिनी अवस्थी खास तौर से शामिल हैं। मशहूर गायिका गिरिजा देवी और गायक छन्नूलाल मिश्र भी आवेदन करने वालों में शामिल हैं। हालांकि अमिताभ बच्चन पेंशन लेने से इनकार कर चुके हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।